ओम शांति। कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो, विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक श्री गणेश की हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं, हर कार्य की शुरुआत उनकी स्थापना से करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ याद करना और उनकी महिमा करना क्या उतना काफ़ी है? क्यों ना उनसे प्रेरणा ले, उनकी विशेषताएं, उनकी शक्तियां अपने जीवन में धारण करें और सिर्फ श्री गणेश जी की महिमा ना करें, खुद ही श्री गणेश जैसे बन जाए। श्री गणेश जी की जो जन्म की कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को घर के बाहर खड़ा किया कि वो स्नान करने जा रही थी तो घर में अंदर में कोई नहीं आना चाहिए। और अचानक उस दिन शंकर जी वापस आ गए तो उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना। कहा जाता है शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। और पार्वती जी उतनी देर में बाहर आई तो उन्हें पता चला कि शंकर जी ने उनके बच्चे का सर काट दिया। फिर शंकर जी ने कहा, अच्छा अगला जो अब यहाँ से जाएगा मैं उसका सर इस बच्चे को दे दूंगा। हम ये कहानी बहुत समय से सुनते आए हैं लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार ही नहीं किया कि ये हमें क्या सिखा रही है। तो अगला जो वहाँ से गुजरा वो एक हाथी था, तो शंकर जी ने हाथी के सर को काटा और उस बच्चे पर लगा दिया और उस बच्चे को नाम दिया गणेश। ये कहानी क्या सिखा रही है हमें कि बच्चा अपने पिता को नहीं पहचानता और शंकर जी देवता 10 साल की तपस्या बाद आए थे और इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। आज आप और मैं भी अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो इतने शीतल और शांत हो जाते हैं कि ऊंची आवाज में नहीं बोल पाते हैं, और देवता 10 साल की तपस्या बाद एक बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा आया, और बात भी कितनी थी, अपने ही तो कर्तव्य का पालन कर रहा था, सर काट दिया। ये कभी नहीं कहते कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या की, नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं उसका सर काटा। दो बातों में बहुत फर्क है। वैसे तो अगर बच्चे का सर काट दो या किसी का भी सर काट दो तो उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन उसको हत्या नहीं कहते, कहते सर काटा और किसी और का सर लगा दिया। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकारवश परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस। क्यों ये कहा जा रहा है कि पार्वती जी ने अपनी मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया? क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी है कि हम एक बच्चे का निर्माण करें? तो मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया मतलब ये शरीर मिट्टी का है, दिस इज मिट्टी, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के सर को काटते हैं, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा, अच्छा सर काटा ही था तो वापस वही सर लगा देते, एक और की हत्या करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब परमात्मा हमारे अहंकार का सर काटते हैं तो फिर उसकी जगह सोल कॉन्शियस, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ एक बहुत वाइज सर हमारे ऊपर लगाते हैं। तो शंकर जी ने वो सर काट के ज्ञान का सर उस बच्चे को दिया और फिर उसका नाम रखा गणेश। तो गणेश जी के अगर हम एक एक अंग को देखें वो हमें सही जीवन जीने का तरीका और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाना है उसकी धारणा सिखाता है। सबसे पहली चीज़ जो सर है, मस्तिष्क, वो बहुत बड़ा, मतलब विजडम एंड विशाल बुद्धि। फिर दूसरी चीज़ जो आँखें हैं वो बहुत छोटी, सर इतना बड़ा, आँखें इतनी छोटी। तो जो वाइज होगा,
जो वाइज इंटेलेक्ट होगा वो दूरादेशी होगा। जब हम कोई चीज़ दूर देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो दूर देखकर फिर कर्म करना, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। लेकिन कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर फिर कर्म करना, तो वाइज इंटेलेक्ट एंड फार साइटेडनेस। फिर मुंह छोटा कि कम बोलना, लेकिन कान बड़े ज़्यादा सुनना, तो टॉक लेस एंड लिसन मोर। अब कान सिर्फ बड़े नहीं हैं, कान सूप जैसे हैं। तो सूप क्या करता है? छन्नी का काम करता है, अच्छी चीज़ को रखता है, कचरे को फेंक देता है। तो कान सूप जैसे हो, मतलब सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, दूसरी बातों को तो अंदर जाने भी न दें। दुनिया में लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमने सुन लिया तो वो अंदर तो चला ही गया ना। तो अगर एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, लेकिन बीच में ये आती है बुद्धि, और यहाँ उसकी बात की छाप लग जाती है, तो सुनना ही नहीं है। आज मीडिया से, सोशल मीडिया से, आसपास के लोगों से हम कितनी बातें सुन रहे हैं, सुनते ही जाते, मैसेज आफ्टर मैसेज सुनते ही जा रहे हैं, अंदर लेते ही जा रहे हैं। अगर हम इतना कुछ अंदर ले लेंगे और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? तो हमेशा कान सूप जैसे, सिर्फ प्योर कॉन्टेंट, अच्छी बातें, लोगों की विशेषताएं, सिर्फ उनको ही सुनना है और अंदर लेना है। फिर गणेश जी के दो दांत हैं, लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं, एक दंत, वन टस्क इज ब्रोकन। इसका क्या मीनिंग है? एक दंत क्यों कहा जाता है? हमारे जीवन में ड्यूअलिटी है, मेल फीमेल, रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ड्यूअलिटी, एज बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, प्रोफेशन बेसिस पे, सीनियोरिटी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जहाँ बॉडी कॉन्शियस होंगे, जहाँ ईगो होगा, वहाँ ड्यूअलिटी होगी। परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं? मैं आत्मा, तुम आत्मा, सारी ड्यूअलिटी खत्म, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, एक। ये जो ड्यूअलिटी है, ये सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से ख़त्म होती है। तो जब वो विजडम जीवन में आ जाए तो ड्यूअलिटी ख़त्म, इसलिए एक दंत, दो नहीं। फिर गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। सूंड की क्या विशेषता है? कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ लेता है, लेकिन एक बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेता है। वही सूंड से पेड़ भी उखाड़ा, वही सूंड से बच्चे को भी उठाया, विच मीन्स आत्मा जो वाइज बन जाएगी, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी धारण हो जाएगी, जो सोल कॉन्शियस हो जाएगी, वो बहुत सॉफ्ट भी होगी, बहुत लविंग भी होगी, लेकिन बहुत पावरफुल भी होगी। कई बार हमारे अंदर एक भ्रांति आती है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हम बहुत वीक हो जाएंगे, पॉजिटिविटी मतलब दुनिया हम पर ट्रैम्पल करके आगे बढ़ जाएगी। अगर हम बहुत सीधे होंगे, सादे होंगे, तो लोग हमें धोखा दे देंगे। But that's not true. Spirituality means the perfect balance of soft but powerful, love and law. ये दोनों का बैलेंस वो सूंड दिखाता है। फिर गणेश जी देवता हैं, लेकिन उनका पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के जो शरीर है वो परफेक्ट दिखाते हैं, कंचन काया, लेकिन गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। जो वाइज आत्मा है वो हर बात को अपने पेट में समा लेती है। आज भी अगर कोई बात हर एक को सुनाता रहता है तो लोग कहते हैं इसके पेट में बात ही नहीं टिकती है, लेकिन गणेश जी के पेट को बड़ा दिखाते हैं, मतलब वो हर बात को अपने पेट में समा लेते हैं। इधर से सुना, उधर सुनाया, ये ज्ञान रूपी आत्मा की क्वालिटी नहीं होती है। और बड़ा पेट ऑल्सो सिग्निफाइज द पावर टू एक्सेप्ट। हर एक से मिलें, हर एक के साथ काम करें, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन हर एक को एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, तो पेट बड़ा। फिर गणेश जी की चार भुजाएं दिखाते हैं, और चार भुजाओं में बहुत सुंदर अलंकार है। एक भुजा में कुल्हाड़ी है,
कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, जो परमात्मा से ज्ञान मिलता है तो वो कुल्हाड़ी, ज्ञान की कुल्हाड़ी मतलब अपने विकार, अपने वाइसेस, अपनी नेगेटिविटीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास्ट रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स को काटना, उनको फिनिश करना। क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला है तो पास्ट का कोई भी कार्मिक अकाउंट आएगा, लेकिन ज्ञान से प्रेजेंट थॉट्स, प्रेजेंट बिहेवियर्स उस पास्ट के कार्मिक अकाउंट को काट के फिनिश कर देंगे। दूसरे हाथ में रस्सी दिखाते हैं, द रोप। ज्ञान यूज किया, मेडिटेशन किया, लेकिन धारणा तब होगी जब जीवन में डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन, संयम, नियम, इसके बिना धारणा नहीं हो सकती। तो अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है। ऐसा नहीं कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, पैसे कमाने गए तो किसी भी तरह काम कर दिया, ऐसी आत्मा वाइज नहीं बन सकती है। लेकिन जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांध दिया, सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही खान पान, सही धन कमाने का तरीका, ये मर्यादाओं को रस्सी से बांध लो। फिर तीसरे हाथ को ब्लेसिंग देता हुआ दिखाते हैं, मतलब हाथ हमेशा ऐसे। आज अगर हम अपने जीवन में देखें, हमेशा सारा दिन हमें किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और कुछ नहीं तो प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, अक्नॉलेजमेंट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, ऐसे हाथ है हमारा। लेकिन गणेश जी का हाथ ऐसा नहीं है, गणेश जी का हाथ ऐसा है, मतलब चाहिए चाहिए कुछ नहीं, सब कुछ देना है, सबको देना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको ब्लेसिंग्स देना है, दुआएं देना है। विच मीन्स कोई भी आत्मा आए, कैसे भी संस्कार हो, कैसा भी व्यवहार हो, वो अपने संस्कार लेकर आएंगे, वो अपने कर्म करेंगे, लेकिन हमारे से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्योर थॉट्स, प्योर वर्ड्स, ब्लेसिंग्स। तो एक हाथ ऐसे मतलब सबको दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ। फिर चौथे हाथ में मोदक है, और वो मोदक हाथ में होता है। मोदक अर्थात स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाना सहज है, लेकिन केयरलेस होकर नहीं हो सकता है। कॉन्स्टेंट अटेंशन, मोदक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इट सिग्निफाइज कि स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से अपने जीवन में ले आने में अटेंशन, कॉन्स्टेंट अटेंशन, उतनी मेहनत करनी है। लेकिन एक बार वो मेहनत कर ली तो मोदक मीठा बहुत होता है, विच मीन्स मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। लेकिन जब इतना सब कुछ अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर महिमा भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, बहुत लोग आपको अच्छा 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 भी बहुत कहेंगे। उस समय ध्यान रखना है ज्ञान का अहंकार ना आ जाए, विशेषताओं का अहंकार ना आ जाए, जो कार्य परमात्मा आपसे करवा रहा है उसका अहंकार ना आ जाए। तो मोदक बन तो जाता है, मीठा भी बहुत है, लेकिन गणेश जी उसको खाते नहीं हैं, हाथ में रखते हैं, विच मीन्स सफलता मिलेगी, महिमा को स्वीकार नहीं करना है, उसको सिर्फ हाथ में ही रखना है। तो किसी भी मूर्ति में गणेश जी को मोदक खाते हुए नहीं दिखाते हैं, सिर्फ संभाल कर पकड़े हुए दिखाते हैं। दिस इज अ रिमाइंडर कि द मोर वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, People will have lot of nice things to say about us, but take care. अहंकार नहीं, सब अहंकार से सबसे बड़ा अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार, एंड वो एक ऐसा अहंकार होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार है। तो मोदक को हमेशा पकड़ के रखना है। फिर गणेश जी को बैठा हुआ कैसे दिखाते हैं, एक लेग फोल्डेड होता है और एक लेग नीचे होता है, और जो पांव नीचे होता है उसका भी सिर्फ टो नीचे टच करता है, और हर मूर्ति में एक पांव नीचे और एक पांव ऐसा फोल्डेड है, विच मीन्स इस दुनिया में रहना है तो पांव नीचे। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मूव अवे फ्रॉम पीपल, स्टॉप वर्किंग, नो, पांव दुनिया में रहेगा,
सब कुछ करना है, सबके बीच रहना है, सारे रिश्ते निभाने हैं, काम कारोबार करना है, लेकिन सबसे डिटैच्ड भी रहना है, न्यारे और प्यारे। सब कुछ करना है लेकिन किसी भी चीज़ का प्रभाव हम पर नहीं आना चाहिए। सबके बीच रहना है लेकिन किसी के संस्कार के प्रभाव में आकर अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ देना है। तो रहना भी है लेकिन ऊपर भी रहना है। अब इतनी महानता धारण करके, इतनी दिव्यता अपने जीवन में लाकर, लेकिन श्री गणेश जी का वाहन क्या दिखाया? देवता है तो उसका आसन, उसका वाहन बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन श्री गणेश जी को तो चूहे पर बैठा हुआ दिखाते हैं। तो चूहा किसका प्रतीक है? अगर हम देखें तो चूहा सारा दिन कुछ ना कुछ पर खुरेदता रहता है। खाने की चीज़ नहीं भी होती है, कोई वायर है, कोई प्लास्टिक है, कुछ भी चीज़ पर वो खुरूर खुरूर करता रहता है। ये हमारी कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। सारा दिन कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नहीं भी ज़रूरत तो पीते जा रहे हैं, जो सामने दिखा उसको सुना। तो चूहे की तरह कर्म इंद्रियों पर संयम खत्म हो गया है। तो चूहा एक तो कर्म इंद्रियों के वशीभूत होने का प्रतीक है, और दूसरा चूहा छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। हम सब कहते हैं दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, ये चूहा कहाँ से आ गया घर के अंदर? क्योंकि चूहे को जगह की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है। वाइसेस, कमजोरियां, डिस्ट्रैक्शंस, पता ही नहीं चलता जीवन में कब आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं। और चूहा जब किसी को काटता है तो शुरू में एक बहुत एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, पता ही नहीं चलता कि चूहा काटा है, एकदम से स्टिलनेस हो जाती है उस जगह पर, बहुत देर बाद पता चलता है कि कुछ काटा है। वाइसेस, डिस्ट्रैक्शंस जब जीवन में आती हैं, शुरू में तो पता ही नहीं चलता है, अच्छी भी लगते हैं शुरू में बहुत, दर्द बहुत बाद में होता है। तो जब हम विशाल बुद्धि, दूरादेशी, बड़े कान, सिर्फ अच्छा सुनेंगे, कम बोलेंगे, सॉफ्ट भी होंगे, पावरफुल भी होंगे, बातों को अपने अंदर समा लेंगे, ज्ञान की मर्यादाओं पर चलेंगे, विकारों को कुल्हाड़ी से काटेंगे, ब्लेसिंग सबको देंगे और ईगो में कभी नहीं आएंगे, ह्यूमिलिटी में रहेंगे, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर और अपने वाइसेस के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। विच मीन्स ऐसी आत्मा गणेश जी को चूहे के ऊपर बिठाया दिखाते हैं, चूहा उनके नीचे है। अब ये सब कुछ होने के बाद गणेश जी के साथ दिखाते हैं एक तरफ रिद्धि और दूसरी तरफ सिद्धि, कि गणेश जी की दो पत्नियां जो हमेशा गणेश जी के साथ साथ चलती हैं। तो स्पिरिचुअल सोल जो इस विजडम को धारण कर ले, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस साथ साथ चलते हैं। उसको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए भागना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस ऐसे व्यक्ति के साथ साथ चलता है। और एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि गणेश जी को और उनके भाई को कहा गया सारी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आओ। तो उनके भाई ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने तो सिर्फ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। आज हम सब जीवन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुशी के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए। आर होल वर्ल्ड जो हमारी दुनिया है उसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। टाइम भी आजकल नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, बिकॉज हम अपनी दुनिया को ही नहीं संभाल पा रहे, उसको समेट नहीं पा रहे। लेकिन जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा, विच मीन्स जिसने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, परमात्मा के साथ कनेक्शन, हर थॉट प्योर, हर वर्ड एक्यूरेट, तो हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स एंड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ये नेचुरल हो जाएगा। दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे, कभी पूरा नहीं होता, लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें तो अपनी दुनिया परफेक्ट हो जाती है। क्योंकि जो मन जीत हो जाता है वो जग जीत अपने आप हो जाता है। तो गणेश जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं,
और जो आत्मा ये सब कुछ कर लेती है उसको विघ्न विनाशक कहते हैं, कि विघ्न तो उसके जीवन में आता ही नहीं है, आने से पहले ही विघ्न खत्म हो जाता है। और वो सिर्फ अपने नहीं दूसरों के भी दुख हर के उनको सुख देता है। तो क्या सिर्फ श्री गणेश जी की पूजा करेंगे, क्या सिर्फ उनकी महिमा करेंगे? नहीं, हम सबको श्री गणेश जी जैसा बनना है, विघ्न विनाशक आत्मा बनना है, सबके दुख हर के इस सृष्टि पर पुनः सुख लाना है। तो गणेश जी की महिमा नहीं, सिर्फ पूजा नहीं, एक एक विशेषता को अपने जीवन में धारण करते जाएं, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या, परमात्मा से कनेक्शन, डेली कनेक्शन विद गॉड, ज्ञान को अपने अंदर भरते जाएं, अहंकार रूपी सर को काटते जाएं और वो स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियसनेस वाला सर अपने ऊपर ले आएं, तो जीवन श्री गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक, वो जीवन हम सिर्फ अपने विघ्न नहीं, हमारे आसपास जो आएंगे इतनी पावर आ जाती है उस आत्मा में, वो औरों के भी विघ्न खत्म कर देते हैं। तो श्री गणेश जी जैसा हम सबको बनना है। ओम शांति।